अपने बच्चे के लिए, जिस तरह वो एक बच्चा था जब वो चलने फिरने के काबिल नहीं था और बच्चे को उन्होंने चलना सिखाया, उनको बोलना सिखाया, उनकी तालीम और तरबियत की। मैं समझता हूँ कि जब टाइम आया उसके मुस्तकबिल का, तो अब वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि जी मैं खुद करूंगा। आप ये देखें कि जहां जहां बच्चे ने खुद किया वहां बच्चे शर्मिंदा हुए। आप देखें कि जहां अरेंज मैरिज हुई, वो अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि वो वालदैन की चुक दुआएं। मैं समझता हूँ वो सब बड़े मिलके करते हैं, बड़ों की बरकतें शामिल हो जाती हैं। सबसे जो बड़ी चीज है ना आरिफ साहब, वो है दुआ। हाफिज साहब ने कहा एक होती है दुआ देना, एक होता है दुआ लेना। तो मैं समझता हूँ कि दुआ आपको वहां मिलेगी जहां आपके पेरेंट्स आपके बेहोश होंगे। जब आपने खुद पेरेंट्स बनना है, अब वो बच्चा जो है आज सिर्फ चूंकि वो यंग एज में है, वो अपने आप को समझता है कि मुझे जो सब कुछ पता है, शायद मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पुराने ख्यालात के हैं। लेकिन अगर वो देखे कि वो जो पेरेंट्स उसके थे, अच्छा वो हंस रहे होते हैं अंदर से कि भी मैं भी इतना ही था जी, और मेरे जज्बात थे लेकिन मैं इस तरह नहीं करता। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने एक निजाम बना अच्छा, दिया। आपकी लव हुई थी, अरेंज हुई थी, अरेंज मैरिज थी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। आप ये देखें कि मैं हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप देखें कि मेरी मिसेज जो है वो दरसे कुरान देती हैं। वाह। आप देखें वो हाफिजा है, क्या बात है, जी कारिया है। वाह। और आप ये देखें कि मुझे क्या पता था कि वो इतनी नेक खातून होंगी। अब देखें मेरे दो बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं, वो हाफिजे करवाने पाके और सारा क्रेडिट मेरे। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं शाहिद साहब, वो कह रहे थे लव मैरिज करनी चाहिए, वो इस हक में है और बाकी बात ठीक है।